हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज एंड आप देख रहे हैं मनोज एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पीटीजी 2 ईयर्स एंड 4 जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। जो 2 ईयर्स वाले हैं ना, जो 2 साल वाले बीएड कर रहे हैं, उनकी जो 2 लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। तीसरी लिस्ट जो इनकी है वो अब तक नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वो मैं आपको कारण बताऊंगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो मैंने पीटीटी जो डिपार्टमेंट है उनकी जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर मैंने कॉल करके भी पूछा है, तो उन्होंने मुझे क्या आंसर दिया था, मुझे उन्होंने क्या जवाब दिया था, वो भी मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सेकंड लिस्ट वालों का अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं होगा इसके बारे में कंप्लीट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ तो जो 4 ईयर वाले हैं उनका जो सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, अपवर्ड मूवमेंट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है, जितने भी आपके कंफ्यूज है, कंप्लीट मैं आपको एक ही वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। जिन्होंने चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और इसी प्रकार के मैं जो वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो सबसे पहले बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अभी हाल ही में मैंने वो पीटीटी डिपार्टमेंट से बिल्कुल अभी जस्ट ही मैंने कॉल करके पूछा। मैंने यह पूछा कि सर, इनका जो जो 2 ईयर्स वाले हैं इनकी 2 लिस्टें तो है वो जारी हो चुकी हैं, यानी सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका क्या कारण है? एक तो मैंने यह पूछा, दूसरा मैंने यह पूछा है कि इनकी जो 3rd लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में मैं पूछा है। तो सेकंड लिस्ट के अपवर्ड मूवमेंट के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने हिसाब से आपका है कि जिन्होंने पहली बार अपवर्ड मूवमेंट यानी जिनको फर्स्ट चॉइस में जिनको कॉलेज आवंटित हो चुका है उनको एक बार है वो अपवर्ड मूवमेंट का मौका दिया गया था। और अपवर्ड मूवमेंट जिन्होंने लगवाया था उनका जो रिजल्ट है वो और सेकेंड लिस्ट जो आई थी वो दोनों साथ में आ गई थी। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि जो पहली लिस्ट में जिनको कॉलेज आवंटित हुआ था उसके बाद में जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट करवाया था, अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट और जिन्होंने पहली में जो काउंसलिंग कराई थी और उसके बाद में उनको कॉलेज आवंटित नहीं हुआ था, उन स्टूडेंट यानी दोबारा जो नए स्टूडेंट थे उनको सेकेंड लिस्ट के थ्रू कॉलेज आवंटित हुआ था, तो दोनों का यानी कि अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट और सेकेंड लिस्ट दोनों एक साथ में वो जो आ गई थी। ठीक है, इसको लेकर के उन्होंने कहा था कि वो तो दोनों एक साथ में आ गई थी। अब अगर बात करें जो सेकेंड लिस्ट के बारे में है, यानी जो सेकंड लिस्ट में जो अपवर्ड मूवमेंट जिन्होंने करवाया था ना एक बार, यानी पहली लिस्ट में जिनको कॉलेज आवंटित हो गया था फिर अपवर्ड मूवमेंट करवाया था, अब वो सभी जो स्टूडेंट है ना, काफ़ी स्टूडेंट है इसमें अगर बात करें जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट करवाया था, तो उसमें से अगर बात करें तो लगभग 85% जो स्टूडेंट है ना वो दोबारा अपनी कॉलेज जब वो चेंज करवाना चाहते थे। एक तो पहली लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट है वो उन्होंने साफ साफ कहा है कि पहली लिस्ट वालों का अपवर्ड मूवमेंट एक बार हो गए हैं, अब दोबारा अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, वो साफ साफ मुझे कहा था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर वो जो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा कि जो पहली लिस्ट है उनका एक बार अपवर्ड मूवमेंट हो गया है, अब वो दोबारा अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा सकते। मैंने कहा ठीक है चलो। दूसरा मैंने उनको क्वेश्चन पूछा कि सेकेंड लिस्ट वाले जो है वो उनका अपवर्ड मूवमेंट होगा नहीं होगा, यानी कि दोबारा जिन्होंने, देखो सेकंड लिस्ट वाले आप सभी को पता है उनको एक बार में ही कॉलेज मिला था, यानी पहली लिस्ट में उनको कॉलेज नहीं मिला था, सेकंड लिस्ट में कॉलेज आवंटित हुआ था, तो उन उसको एक भी है वो अपवर्ड मूवमेंट का मौका है वो नहीं दिया गया था। अब इनको आप मौका देंगे या नहीं देंगे? तो उनके हेल्पलाइन नंबर पे जो जो सर जो थे उन्होंने कहा था कि सेकंड लिस्ट वालों को कॉलेज आवंटित हो गया है, अब उनको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन है वो अभी तक नहीं दिया है और नहीं दिया जाएगा। कारण ये है कि इस बार जो इनका सेशन है वो काफ़ी डेल चल रहा है, आप सभी को पता है काफ़ी इनका लेट चल रहा है। तो अब देखो अगर लेट चल रहा है ना तो इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, इसमें जितनी भी गलती है वो सारी आप ही पीटीटी डिपार्टमेंट की है। कारण ये है कि स्टूडेंट तो देखो जब इनका एग्जाम फॉर्म आया था पीटीटी का, तब बच्चों ने इनकी जो डेट बताई थी 1 महीने के अंतर्गत, तो उन बच्चों ने अपने एग्जाम फॉर्म में जो भर दिया था इन फिल कर दिया था जिनको करना था। ठीक है, जब इनकी एडमिट कार्ड आया था तो बच्चों ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया था, और जब इनकी एग्जाम डेट अनाउंस हुई थी तब इन्होंने अपने एग्जाम देने के लिए जिसको देना था उन्होंने दे दिया था। देखो जो बच्चों का जो काम था वो तो बच्चों ने कर दिया, अब जो काम मेन काम है वो आपका काम है, यानी एग्जाम दिलाना आपका काम है। सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जाम दिलवाना अगर बात करें, एग्जाम दिलवाना आपका काम है और एग्जाम लेना आपका काम है, रिजल्ट घोषित करना आपका काम है। अब ये जो डेट होती है जैसे एग्जाम फॉर्म और एग्जाम डेट जो रिजल्ट होता है, ये जो जितनी भी तारीख होती है वो सभी आपके द्वारा ही अनाउंस की जाती है। और अगर आप समय पर काम नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को दंड दे। अब देखो दंड तो यही मतलब हुआ है क्योंकि जो पहली लिस्ट वाले हैं उनको काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अपवर्ड मूवमेंट करवा था, यानी ये मान के चल सकते हैं कि 85% जो स्टूडेंट है फर्स्ट लिस्ट वाले उन्होंने क्या करवा था, अपवर्ड मूवमेंट करवाया था साथियों। ठीक है, 85% स्टूडेंट है उन्होंने फर्स्ट लिस्ट वाले स्टूडेंट जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट करवाया था, फिर भी पहली लिस्ट वालों को एक बार मौका दिया गया था, लेकिन सेकंड लिस्ट वालों को अभी तक एक बार भी मौका नहीं दिया गया है और नहीं अपवर्ड मूवमेंट आगे होगा। कारण उन्होंने बता दिया है कि सेशन डिले जो लेट चल रहा है ना, और पिछली बार में अगर तुलना करूँ ना, मैं देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो बीएड कर रहा हूँ, तो पिछली बार क्या हुआ उदयपुर साइड से मेरे साथी कुछ थे जो जयपुर में आना चाहते थे, जिन्होंने पहली बार उनको पहली लिस्ट में कॉलेज मिल गया था, लेकिन यहीं सिरोही वगैरह यहाँ पर उनको कॉलेज मिला था, पिंडवाड़ा था ऐसा कुछ था वहाँ पर,
इनको कॉलेज आवंटित हुआ था, लेकिन इन्होंने अपवर्ड मूवमेंट करवा करके जयपुर में इनको कॉलेज है वो आवंटित हो गई थी। अब जयपुर में उनको कॉलेज आवंटित हो गई थी, मतलब कि इन्होंने 2 बार अपवर्ड मूवमेंट करवाया था, पहली लिस्ट में मिला था, ठीक है, उसके बाद में इन्होंने करवाया था तो सिरोही में कॉलेज आवंटित हो गया था, दोबारा कराया तो उनको जयपुर में कॉलेज आवंटित हो गया था, ठीक है। तो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी ने पिछली बार पहली लिस्ट वालों को दो दो बार मौका दिया था अपवर्ड मूवमेंट करवाना का, और जो सेकंड लिस्ट वाले थी उनको भी एक एक दो दो बार मौका दिया गया था। अब देखो यहाँ पर ऐसा मतलब नहीं है कि आपको इस बार नहीं दिया जाता है, हर बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा वो नियमों को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। 2022 में अगर बात करूँ तो वो जो पीटीटी का आपका एग्जाम जो करवाया था वो करवाया था किसने दोस्तों, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा करवाया था। 2021 में अगर बात करें तो डूंगर महाविद्यालय के द्वारा इसका वो करवाया था, आपको ये पता होना चाहिए, डूंगर कॉलेज जो उसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और इस बार अगर बात करें तीसरी लिस्ट के बारे में, तो तीसरी लिस्ट के बारे में उन्होंने कहा कि जो सेकंड लिस्ट के थ्रू जितनी भी सीटें खाली थी वो कंप्लीट उसमें जो भर दी गई है। अब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि तीसरी बार जो पीटीटी जो थी 2022 में जो अपने जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी उसके द्वारा अगर बात करें तो 3 लिस्ट जारी की गई थी, और उसमें जो सेकंड लिस्ट में और उसमें अगर बात करें उनका जो पेपर हुआ था ना पीटीटी का वो काफी मतलब इजीली तरीके से था, मतलब एवरेज था, ठीक है ये कह सकते हैं जो। और इस बार अगर बात करें 2023 में पीटीटी के द्वारा जो एग्जाम हुआ था वो अगर बात करें तो काफी मतलब कि अगर यह कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब हार्ड पेपर था, तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें जो कॉलेज मिला था वो सेकंड लिस्ट के थ्रू भर दिया गया था। अब आप कहेंगे सर ये तो हम समझ में ही नहीं आया, इसमें अगर बात करें तो आर्ट वाले जो स्टूडेंट है ना और एक होते हैं साइंस वाले, तो आपको पता है आर्ट वाले स्टूडेंट को बीएड में वो ज़्यादा एडमिशन दिया जाता है पीटीटी के थ्रू, ठीक है। साइंस में किसको कितने दिया जाता है, साइंस में वो कम दिया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें आर्ट में अगर जैसे ये मान के चल सकते हैं कि 100 टोटल बच्चे अगर लेने हैं तो इसमें अगर बात करें तो आर्ट में अगर बात करें तो 80 बच्चे वो लेंगे, और बाकी अगर बात करें 20 जो बच्चे हैं ना सॉरी यहाँ पर अगर बात करें 70 बच्चे, तो 70 स्टूडेंट है ना वो आर्ट के लेंगे। अगर देखो 100 सीट है तो 70 तो आर्ट के लेंगे और 20 लेंगे साइंस के, और 10 जो लेंगे वो उसके किसके लेंगे, कॉमर्स के लेंगे, ठीक है ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो आर्ट में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको पता है आर्ट में जो कंपटीशन होता है वो कम होता है, किसमें जो किसमें मतलब ये है कि जब पीटीटी का आप एग्जाम देते हैं तब आर्ट का जो है वो कंपटीशन कम होता है और आपको कॉलेज है वो बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। इस बार अगर बात करें मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया था शायद या व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, उन्होंने किया था, उनको जो आर्ट का स्टूडेंट था एससी कैटेगरी के था और उनको जो कॉलेज मिला था ना वो दोस्तों वो अगर बात करें तो 230 नंबर पे उनको कॉलेज आवंटित हो गया था, मात्र 230। अभी हाल ही में कल या परसों इनका कमेंट आया था, केवल 230 में उनको जो कॉलेज मिला था, आर्ट का स्टूडेंट था 2 ईयर्स में था। और साइंस में अगर बात करें तो यहाँ पर यह कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट था जिनके 285+ मार्क्स थे और उनको कॉलेज आवंटित हो गया, ये इतिहास में अभी तक की पहली बार इतनी अच्छी मतलब इनकी बिल्कुल मतलब इतनी कम है जो कट ऑफ रही है। कट ऑफ कम रहने का कारण आपको पता ही है क्यों है, क्योंकि इस बार जो पेपर है वो काफ़ी मतलब कि हार्ड लेवल का था, और जैसे आर्ट वाले यहाँ पर मैंने बताया था ना पहले 70 स्टूडेंट, यहाँ पर जो 70 स्टूडेंट को आगे जैसे कोई रीट का या कोई सेकंड ग्रेड का अगर वो टीचर बनना चाहता है वो एग्ज़ाम देता है तो वहाँ पर इनका वो कंपटीशन है वो आर्ट वालों का ज़्यादा हो जाता है, जबकि साइंस की जो तुलना में अगर बात करें तो इनका जो कंपटीशन होता है वो कम होता है, ठीक है ये अब आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 285+ नंबर है उनको इस बार है वो जो जिन्होंने अच्छी कॉलेज भरी है, ठीक है, और कॉलेजों की जो संख्या भी अगर बात करें जिन्होंने ज़्यादा कॉलेज भरी 60-70 कॉलेज है, अगर वो पहली लिस्ट में नहीं मिला तो उनको सेकंड लिस्ट में 285 वाले जो है उनको काफ़ी सारे स्टूडेंट को मिल गया है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको 300+ नंबर है लेकिन उनको सेकंड लिस्ट में भी कॉलेज आवंटित नहीं होता। कारण ये है कि इनके बारे में अगर बात करें तो उन्होंने या तो कॉलेज एक कम भरी थी इसके अकॉर्डिंग। अब देखो मैं आपको लेकर के चलता हूँ पीटीटी की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर। हाँ जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ पीटीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर, और यहाँ पर मैं आपको एक बार डेट है वो बता सकता हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आप जूम करके देखिए। हाँ जी, यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग इन कॉलेज आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट एंड वेटिंग स्टूडेंट, यानी जो अपवर्ड मूवमेंट जो सेकंड लिस्ट वाले पहली लिस्ट वाले थे उनका, और जो नया जो इनको कॉलेज मिला था उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें इनकी जो लास्ट डेट थी वो तो 30 अगस्त थी, और आप देख सकते हैं आज इनकी है वो लगभग 6 या 7 अगस्त सॉरी सितंबर हो चुकी है, तो आपको पता 7 सितंबर हो चुकी है, उसके बाद में किसी भी प्रकार का इसमें वो अपडेट नहीं किया गया है। अगर या तो इनकी तीसरी लिस्ट आने वाली थी तो इनमें यह बताया जाता था कि इनकी इतनी डेट तक आप वो अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं, सेकंड लिस्ट वालों को अगर अपवर्ड मूवमेंट होता तो इसमें यह यहाँ पर जो डेट अनाउंस कर दी जाती थी या अपडेट कर दी जाती थी कि इतनी तारीख से लेकर के इतनी तारीख तक आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं सेकंड लिस्ट वाले, अगर पहली लिस्ट वाले अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहते थे तो भी इसमें बता दिया जाता था, लेकिन इस बार इसमें अपडेट है वो नहीं किया गया। मतलब ये साफ साफ है कि
इस बार जो है वो अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। और जो तीसरी लिस्ट के बारे में भी इन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई हलचल है वो नहीं की है, तो आप साफ साफ ये देख सकते हैं कि आप अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, नहीं इनकी तीसरी लिस्ट है वो आएगी, ठीक है। और 4 ईयर वालों की जो लास्ट डेट थी वो 8 अगस्त थी, आप सभी को पता ही है। तो आपको अब अगर बात करें जिनको एक बार कॉलेज आवंटित हो चुका है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लिस्ट में अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू उनका वही कॉलेज रहेगा, और जिनको सेकंड लिस्ट में कॉलेज आवंटित हुआ है और जो अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहते हैं, अभी जो एक बार उनको कॉलेज मिला है वही आपका कॉलेज रहेगा, क्योंकि अभी उन्होंने अपवर्ड मूवमेंट का मौका नहीं दिया है और नहीं ये देंगे। इस बार अगर बात करें पीटीटी डिपार्टमेंट से काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो असंतुष्ट हैं, और अब हम क्या कर सकते हैं आप सभी को पता ही है, स्टूडेंट अगर चाहते हैं ना तो उसके ऊपर है वो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। पीटीटी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कितनी भी रिक्वेस्ट करें उन्होंने अब तक किसी भी प्रकार का कोई अपडेट है वो नहीं किया है। तो आई होप आप सभी को वीडियो आज तो आप सभी को पता ही है पसंद नहीं आया होगा, फिर भी आप वीडियो को लाइक कर देना। मैंने आपकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की है। तो काफ़ी सारे बच्चों का कंफ्यूज था इन अपवर्ड मूवमेंट को लेकर के कि सर अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो मैंने भी पहले एक वीडियो बना करके बता रखा था कि अपवर्ड मूवमेंट होगा, लेकिन आप सभी को पता है अगर यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग चले ना तो आप सभी को पता है वहाँ पर किसी की नहीं चलती है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग अगर चलती है ना वो जो चाहती है ना वही करती है, क्योंकि पिछली बार मैंने एक छोड़कर 10 बार बता रखा है कि जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है उन्होंने दो दो बार तीन तीन बार अपवर्ड मूवमेंट करवाया था, दो दो तीन तीन उन्होंने लिस्ट जारी की थी। डूंगर महाविद्यालय था उन्होंने भी की थी। ये काफ़ी मतलब कि इतिहास में अगर बात करें तो काफ़ी जितनी भी अभी स्टार्ट हुई ना तब से लेकर के आज तक यानी 2022 तक है वो इनकी अपवर्ड मूवमेंट की जो है वो दो दो तीन तीन बार अपवर्ड मूवमेंट करवाया जाता था, दो दो तीन तीन बार लिस्टें जारी की जाती थी, कभी कभी चार चार बार भी जारी की जाती थी, क्योंकि उनकी अगर लिस्टें खाली होती है ना तब वो कर देते हैं। और तीसरी लिस्ट के बारे में अगर बात करूँ तो आप उन्होंने कहा है कि जो तीसरी लिस्ट के स्टूडेंट हैं तो उनके बारे में उन्होंने कहा है कि लिस्ट अभी तक जारी नहीं होगी, क्योंकि इनकी जो सीटें एक बार काफ़ी मतलब कि फुल हो चुके हैं, फिर भी हमें वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जो रेगुलर नहीं आ रहे हैं, अगर कॉलेज में सीटें खाली रहती हैं तो हम करेंगे, ऐसे वो कहेंगे। अब उनकी गारंटी नहीं है, उनकी जो गारंटी है वो 0.01% है, ठीक है। उन्होंने यह कहा है कि 0.01% है, ये आप कह सकते हैं। उनको उन्होंने वो आधा परसेंट भी है वो नहीं कहा था, ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। एक का उन्होंने जो 10वां भाग है वो उन्होंने कहा कि इतनी गारंटी है अगर सीटें खाली रही है कॉलेज में, क्योंकि तो काफ़ी जो कॉलेज है वहाँ पर बच्चे नहीं आ पाते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बात की है। बाकी आप सभी को पता है बीएड में जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है 27,000 रुपये, और एससी एसटी ओबीसी बीपीएल है उनको 29,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप वो वीडियो एक बार देख लेना। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको बीएड जो उससे रिलेटेड जो आपका सिलेबस है नोट्स वगैरह हैं तो मैं वहाँ पर आपको भेजता रहता हूँ, तो वहाँ पर आप एक बार ज्वाइन हो जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। हमारे चैनल पर जिन्होंने पहली बार विजिट किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।